दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेन इंक्वायरी पर। और आज की ट्रेन जानकारी है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से 9 अक्टूबर व 10 अक्टूबर को शुरू होने वाली कुछ ट्रेन्स के बारे में जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही अपनी यात्रा को कंप्लीट करेंगी। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिस ना हो, बिना विलंब मिलता रहे। महाराष्ट्र सरकार की एग्रीमेंट के बाद जो है रेलवे की तरफ से जो 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें हैं 9 और 10 तारीख को शुरू हो रही हैं मुंबई से, ये सभी की सभी ट्रेनें डेली चलने वाली हैं। इसमें पहली ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस नागपुर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स के बीच में जो हफ्ते के 7 दिन चलती है, ये ट्रेन जो है वो 9 तारीख को नागपुर से और 10 तारीख को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो स्टेशन है वहाँ से अपनी यात्रा को स्टार्ट करेगी। इसके स्टॉपेज कसारा और भुसावल को रखा गया है, जबकि इगतपुरी स्टेशन जो है उसे इसमें हटा लिया गया है। और इसका जो बुकिंग स्टेटस है अभी तक जो है शुरू नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ CSMT हावड़ा मेली दिखा रहा है नागपुर से मुंबई के बीच में। दूसरी जो ट्रेन है ये चलने वाली है पुणे से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स के बीच में 21-23, 21-24 बनकर जो चलती है, दक्कन क्वीन इंटरसिटी टाइप ट्रेन जो सुबह चलती है पुणे से और दोपहर में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से पुणे की ओर चलती है। इसका जो बुकिंग स्टेटस है अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है और ये अपने पूरे जो जितने भी स्टॉपेज हैं सभी स्टॉपेज पे रुक कर जाएगी। आगे की जो ट्रेन है ये भी पुणे से CSMT के बीच में है और नंबर इसको स्पेशल दिया गया है 2015-2016। इंद्रानी एक्सप्रेस ये भी पुणे और महाराष्ट्र से मुंबई CSMT के बीच में चलने वाली ट्रेन है, तो ये ट्रेन भी जो है वो 9 तारीख से शुरू हो जा रही है। आगे की जो ट्रेन है विदर्भ एक्सप्रेस जो चलती है मुंबई से गोंडिया के बीच में, इस ट्रेन को भी शुरू किया जा रहा है। इसको जो नंबर है 2105-2106 दिया गया है। CSMT से गोंडिया के बीच में ये रन करेगी सभी स्टॉपेज के साथ, लेकिन इसमें भी इगतपुरी जो इसका स्टॉपेज था उसको बंद कर दिया गया है, ये वहाँ नहीं रहेगी। नागपुर भुसावल मलकापुर अकोला अजनी के रास्ते ये मुंबई और गोंडिया के बीच हफ्ते में 7 दिन चलने वाली है 9 तारीख से। आगे की जो ट्रेन है ये चलेगी सिद्धेश्वर एक्सप्रेस जो चलती है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से शोलापुर के बीच में, और इसका जो नंबर है वो रहेगा 2115-2116। इस ट्रेन के काफ़ी स्टॉपेज जो है वो कम कर दिए गए हैं। ये ट्रेन अब करजत खंडाला लोनावला दौड़ जंक्शन बिगवान और मोहल स्टेशन पर नहीं रुकेगी। और इस ट्रेन का जो बुकिंग स्टेटस है वो शो हो रहा है लेकिन बुकिंग नोट अलाउड जो है ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। जल्द ही हो सकता है आपको जब तक ये वीडियो मिली है शुरू हो जाए, इन सभी ट्रेनों की बुकिंग जो है जल्द ही शुरू होने वाली हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र के इन शहरों से मुंबई या मुंबई से इन शहरों की ओर यात्रा करना चाहते हैं तो इन ट्रेनों पर रेगुलर नज़र रखें ताकि जैसे बुकिंग शुरू हो आप अपनी सीट को बुक करवा सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।